माशाल्लाह मैं दो तीन प्रोग्राम में आया हूँ, मैं छोटी सी बात करता हूँ हमेशा, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होते हैं, मेरी बात बहुत से सुना करें। तो मैं सबसे पहली जो बात है कि सर आसम को इतने महदूद वसायल में इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर और बेहतरीन किस्म की प्रेयर करने पर तो मैं बच्चों को और रियासत को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह मेरे भाई अदनान ने पहले बताया कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक सौ ज़्यादा होते हैं 18-19 साल, और इतने बड़े लोगों को, नौजवानों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ होती है, वो होती है डिसिप्लिन। और आपके बच्चे, जितने भी पेरेंट्स जो बच्चे रियासत के पास पढ़ रहे हैं, रियासत की एक बात उनको गजब दे, उन्होंने ये आपके बच्चे हैं ना ये मेरे बच्चे, ये मेरी कौम के बच्चे हैं। तो इसलिए ये सोच जिस बंदे में हो तो वो जो बच्चे होंगे, जिस तरह ये बता रहे थे कि जूता जितना महंगा लेके जाते हैं उसको पॉलिश ना करें तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहती या उसकी लोग नज़र नहीं आती। तो इसी वजह से मैं एक मिसाल देता हूँ कि सोना जो होता है उससे लेवर नहीं बन सकता, ये बहुत लोगों को पता होगा, कईयों को शायद मेरी बात वो मतलब है। तो उन्हें खाने के लिए, उसको वो रंग देने के लिए, उसको वो लुक देने के लिए, में डालने के लिए तालीम तरबियत के साथ साथ डिसिप्लिन की जरूरत है। और डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो बच्चों को आज यहाँ पे और जितने वाले बैठे हैं उनको मुबारकबाद देते हैं, जितने बच्चे स्टेज पर नहीं आए उनको भी मुबारकबाद, कल वो आएंगे। अगर आपके बच्चे में टैलेंट बहुत है लोगों के पास, टिकटॉक में जाए टैलेंट ही टैलेंट है, लेकिन सब फजूल चीज़ें हैं। टैलेंट और चीज़ें ये मतलब फजूल याद में पड़ जाना, इसको लोग टैलेंट समझें, टैलेंट है उसको निखारने की ज़रूरत है। तो वो बच्चों में रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं, और आपके बच्चों को वो इस जज्बे के साथ और इतनी मतलब बेहतरीन तरीके के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आखिर में एक ही बात कि आप देखें इंसान जो होते हैं कितना खुद गर्ज होते हैं, यानी अल्लाह के अंदर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो लोग भागते हैं। आप देखें ये जज्बा जो है, ये डिसिप्लिन और आपका जो तालीमी निज़ाम है वही देता है। आम एक बंदे को रेफर नज़र आ जाए कोई चीज़ खतरा को भाग जाता है, फौज में वो बाहर बंदा होता है देखे जो सीने पे गोलियां खाते हैं। मैं आपको एक वाक्य छोटा सा शेयर करता हूँ और उसके साथ ही इख्तिताम करता हूँ। ये सन 90-91 की बात है, शायद सर के नॉलेज में हो। यहाँ पे एक जहाज उड़ता है, उसके जो पायलट थे स्क्वाड्रन तारिक, उनका नाम मुझे आज भी याद है। तो वो जब उन्होंने टेक ऑफ किया ना, आगे गांव था, जहाज में आग लगी। अब देखिए एक बंदे को मौत नज़र आ रही है, और आपको कुछ लोगों को पता होगा जो पायलट होता है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, जो कंट्रोल होता है वही उसको जो कहेगा वो करेगा। लेकिन जब जहाज में प्रॉब्लम आ जाए उस वक्त पायलट की भी मर्जी होती है, वो अपनी मर्जी से भी बेल आउट कर सकता है, छलान लगा सकता है। लेकिन जब आग लग गई तो उसको टावर ने कहा कि आप जो हैं बेल आउट कर जाए। उनको पता था कि नीचे गांव है, वो चेक का मुझे नंबर भूल गया है अगर चेक की वहाँ शॉर्टकट में, तो वो जैसे ही हाइट पे गए तो आग लगी, तो उन्होंने कहा कि तारिक आप बेल आउट कर दें, अपनी जान बचा लें, जहाज को जाने दें। तो उन्होंने कहा एक तारिक को मरने दो, हजारों तारिक जिंदगी होने से बचे। तो ये जज्बा जो है ये सिर्फ और सिर्फ तरबियत और डिसिप्लिन और आपका जज्बा है। देखें वो आज अल्लाह को करीके रहमत करे शहीद हो गए थे उन्होंने, लेकिन जो जहाज था वो ये जो नामी है कौन सा दरिया है इधर आना फेंका, साइकिल की गेम होती स्पीड इतनी होती है उनको पता था, लेकिन वो खुद नहीं बच पाए।
उन्होंने कहा एक तारे को मरने दो, कई तारे पीती होने से बचे। तो मैं मुबारकबाद करता हूँ, पेश करता हूँ रियाज साहब को कि इतने जज्बे के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ, इतनी अच्छी आपके बच्चों की तरफ बहुत बहुत Now we are